जब भारतीय जनता पार्टी की 3 से 8 की पूर्ववर्ती सरकार ने बेहतर गुजरों को सीने पर गोलियां मार के और उनके आरक्षण के हक को छीना था। गुजर समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, बहुत बड़ी शहादत थी, लेकिन उसके बाद भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। बेहतर गुजरों की शहादत भी अभी तक गुजर समाज को उसका हक और अधिकार नहीं दिला पाई। वो 5% आरक्षण की मांग करें, हमने हमेशा गुजर समाज के आरक्षण की पैरवी की है। और मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन हो सकता है, तो 7 स्टेट के अंदर गुजर है, 13 स्टेट के अंदर भी उनका छोटा मोटा गुजरों की आबादी, 7 स्टेट के अंदर बाहुल्य है, तो गुजर समाज को दिल्ली की सरकार सीधा संविधान संशोधन लाके 5% आरक्षण की घोषणा नरेंद्र मोदी करे। यहाँ बीजेपी के लोग आरोप नहीं लगाए, वो खुद जाके काम करे, क्योंकि जब 10% स्वर्णों को आरक्षण मिल सकता है तो गुजरों को भी 5% आरक्षण दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। अपना आप राज्य सरकारें दिल्ली की सरकार की पालना करेगी। गुजरों ने बहुत बड़ी शहादत दी। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, वहां भी मैं गया था। गुजर समाज के आरक्षण आंदोलन में भी हम जब पुलिस ने गोलियां मारी तब भी वहां भी गए थे। विधानसभा में बार बार मामला उठाया। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो आरक्षण का हक, अगर उसका हक प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जो आरक्षण का हक मांगता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। स्वर्णों को जो 10% आरक्षण मिला, मैंने मेरी हुंकार रैलियों के अंदर भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करी थी। मैंने कहा था प्रत्येक उस व्यक्ति को जो गरीब है उसे आरक्षण का हक मिलना चाहिए। गुजरों को अगर दिल्ली की सरकार आरक्षण की बात करती है तो गुजर समाज को 5% आरक्षण संविधान संशोधन करके तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। स्वाइन फ्लू से प्रदेश के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर मौतें हो गई, गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव के अंदर दम तोड़ रहे हैं। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, और स्वाइन फ्लू अभी की समस्या नहीं, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पे भी स्वाइन फ्लू से मौतें राजस्थान के अंदर हुई थी। क्योंकि कालीचरण जी शराब जैसा व्यक्ति स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठा रहा था, तो मैंने कहा कालीचरण जी आपके समय में तो एक विधायक की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी और उसे SMS अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिला था, इसलिए उस विधायक की मौत हुई, विधायिका की मौत हुई थी, बाद में बाई इलेक्शन हुआ। और कालीचरण जी जब मेडिकल हेल्थ की चिंता करे तो हंसने वाली बात है। मैंने कहा आप पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके बच्चों पे भी लगे, और आपने तो पूरा मटिया मेट कर दिया। लंबी हड़ताल चली, 100 से ज्यादा मौतें राजस्थान के अंदर हुई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर और आपने तो राजीनामा कर लिया। सबको मिलकर इस प्रदेश की चिंता करनी होगी। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के सरकार को पुख्ता कदम उठाने चाहिए। हम सब लोग इसके अंदर मिलकर काम करेंगे। दूसरा मेरा मुद्दा स्टेशन के माध्यम से नागौर कोतवाली के अंदर, वहां CIA सरवणदास संत 11 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो माल खाने से 4 बोरी डोडा पोस्ट सरवणदास की देखरेख के अंदर वहां गायब हो गया। सरवणदास की मिलीभगत थी। इसमें पहले भी गंभीर आरोप लगे, जब नोखा के अंदर था तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे व्यक्तियों की पुलिस सेवा के अंदर आवश्यकता नहीं है, और इसको APO किया। और इस व्यक्ति को गृह मंत्री गुलाबचंद कटारे का आदेश है नागौर के अंदर इसकी पोस्टिंग की। जब मैंने शिकायत की तो पहले सरवणदास खुद ही अपने जो मालखाने चोरी उसकी जांच खुद ही कर रहा था, फिर CO नागौर ने जांच करी। 4 परिवाद इसके खिलाफ और दर्ज हुए, उनमें 2 परिवाद के अंदर परिवाद फाइल कर दिए गए। इस गंभीर मामले को मैंने कहा NDPS एक्ट का मामला भी सरवणदास के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, तुरंत निलंबित होना चाहिए, IG स्तर का अधिकारी जांच करे। और दूसरा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुलिस से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन मेरे बार बार मांग करने के बाद भी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए। मैं दोबारा इस मुद्दे को अभी उठाऊंगा, इस मामले को, और जब तक CI नहीं हटेगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि DPC करके इसे अप्रैल के अंदर DYSP पहले से ही कई लोग हैं जिनको 1 अप्रैल को DYSP ये ज्वाइन कर लेंगे DSP। जिस आदमी पे इतने गंभीर चार्ज हो और वो व्यक्ति DSP बनने की उसके अंदर खड़ा है लाइन के अंदर, और वहां पूरी लूट मचा के और फिर DYSP बनकर चला जाएगा और पूरा मामला है वो फाइल हो जाएगा। तो ऐसे गंभीर मामलों के अंदर भी अगर सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी तो विधानसभा अगर नहीं हटाएगी तो हनुमान बेनीवाल के साथ तो बहुत बड़ी फौज है राजस्थान के अंदर। मैं खुद ही थाने पे जाके बैठ जाऊंगा तो CI अपने आप ही भाग जाएगा वहां से।